स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कैलेंडर वर्सेस बीजेपी के कैलेंडर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच में ट्विटर वार शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार के कथित नाकामियों का कैलेंडर जारी किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दे दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को कैलेंडर के अंदाज में ही ट्विटर पर वार किया। जिस तरह से राहुल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, ठीक उसी तरह से जावड़ेकर ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस की उपलब्धियों पर तंज कसा और विफलताओं का ब्यौरा दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट कर पार्टी बन गई क्या, ट्वीट पार्टी बनकर रह गई क्या, और ऐसे में राहुल गांधी ने ट्विटर पर कैलेंडर जारी कर मोदी सरकार की पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर तंज कसा। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल राफेल रटने के बाद अब राहुल चीन और कोरोना पर सरकार को घेरने में लग गए हैं। कभी वो चीन पर सरकार से सवाल पूछते हैं तो कभी आत्मनिर्भर भारत योजना पर तंज कसते हैं, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन पर कभी जवाब नहीं देते हैं कि चीन से फंड कैसे और क्यों लिया गया। अब सवाल है कि राहुल के सवाल उठाने के पीछे क्या मंशा है, क्या इससे राहुल को सियासी फायदा मिलेगा, सरकार को बदनाम कर कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 6 उपलब्धियां बताई, जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश करने का जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर मोदी सरकार कांग्रेस की सरकारों को गिराने में व्यस्त है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश, इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत नेता का भ्रमजाल फैलाया है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीनी सैनिक हमारे इलाके में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री सच्चाई को नकार रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बचाव में उतरे। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी जी अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर आप भी ध्यान दें। फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6वीं सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने आगे लिखा कि राहुल बाबा अब भारत की उपलब्धियां भी लिख लें, जिनमें कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, औसत केस के मुकाबले देश में स्थिति बेहतर है, एक्टिव केस और मौत के आंकड़ों में अमेरिका के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। आपने मोमबत्तियां जलाने का मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गवा रहे। आज उन्होंने ट्वीट किया, फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6वीं वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आप तो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, फिर चाहे वो चीन का मसला हो या फिर कोरोना संकट की बात हो। राहुल गांधी लगातार अपना वीडियो ब्लॉग निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर नाकाम बता रहे हैं।
उधर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार राहुल गांधी की काबिलियत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी ने जहां ट्वीट करके पूरा कैलेंडर दिखा दिया और कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, तो वहीं मई में सरकार की छठवीं सालगिरह, जून बिहार वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। ये पूरा कैलेंडर जहां राहुल गांधी ने सामने रखा है और उसके नीचे लिखा है कि ऐसे में कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है भारत, इस तरह का तंज अब राहुल गांधी ने कसा है। और उसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उस पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन तमाम उपलब्धियों के बारे में बताते हुए तंज कसा है। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। उबैद नासिर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। उबैद साहब बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ सुनील भराला जी जुड़ गए हैं जो कि राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार के। बहुत स्वागत है भराला साहब आपका। सबसे पहला सवाल मेरा उबैद जी आपसे है, क्योंकि राहुल गांधी ने तंज कसा है और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी अगर तंज कसते हैं और पूरा कैलेंडर सामने रख देते हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? मैम आप इसको तंज कहिए या एक सच्चाई सामने रखने की बात कहिए, यह तंज तो नहीं है, सच्चाई सामने रखी गई है। आज कोरोना की जो हालत है वो किसी से छुपी तो है नहीं। हमारा देश मुल्क में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो हम कहां पर पहुंच गए हैं? जब शुरुआत हुई थी तब हम 600 थे, आज हमारे कितने आदमी हो चुके हैं मरीज। तो अगर ये बात राहुल गांधी ने कही है और बताया है कि जब आपको कोरोना से लड़ना चाहिए था तो आप क्या क्या कर रहे थे, तो इसमें तंज नहीं है, ये तो एक सच्चाई रखी गई है। एक आईना दिखाया गया है इनको। अब ये आईना दिखाने पर जाहिर सी बात है कि चिढ़ना एक बिल्कुल लाजमी बात है। और जब कोई जवाब नहीं दे पाता है, जब बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो मुंह चढ़ा के भाग लेता है। प्रकाश जावेदकर जी मुंह चढ़ा के भागे हुए हैं, उन्होंने कोई संजीदा बात नहीं की। एक मंत्री से जो उम्मीद की जानी चाहिए थी बातें बताने की, आप अपनी बातें बताते ना, हमारी आप हमारे आपने ये कर लिया वो कर लिया। राहुल अब राहुल गांधी ने क्या वहां शाहीनबाग का फसाद किया था? दिल्ली में जो फसाद हुआ था क्या राहुल गांधी ने करवाया था? शर्म नहीं आती जावेदकर जी को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देते हुए, जबकि वो इतने बड़े मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई उनको पर एहसास है उनको कि क्या वो कह रहे हैं? वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, वो जिम्मेदार पद पर है। कोई इल्जाम लगाते से पहले उनको इसका सबूत देना चाहिए था कि राहुल गांधी ने शाहीन बाग में क्या किया, मजदूरों को उकसाया, हमने मजदूरों की मदद की, उनसे मिलने गए, उनके लिए गाड़ियां लगाई, उनके साथ चले, उनके दुख दर्द में शरीक हुए, तो ये उकसाना हुआ? शर्म नहीं आती राहुल बीजेपी के लीडरों को और खासकर सेंट्रल मिनिस्टर्स को इस तरह की बातें करते हुए? हमें तो अफसोस होता है कि हम कैसे लोगों के हमारे नेतृत्व किन लोगों के हाथ में हमारे देश का नेतृत्व चला गया है जिनको जिम्मेदारी से बातें करना नहीं आती है। ठीक है, राहुल गांधी ने तो आईना दिखाया है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बता दें। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 6 महीने के दौरान अपनी उपलब्धियां नोट कर लीजिए, फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य और मध्य प्रदेश खोया, अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को भड़काया, मई में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की छठी सालगिरह, जून में चीन का बचाव करना और जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस का बिखर जाना। इस बात का जिक्र केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। निरंजन पोद्दार जी, एक तरफ आपने उबैद जी को सुना, इनका कहना है कि हमने तो जी आईना दिखाया है सरकार को कि देखिए ये आपका आईना है, लेकिन उस पर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? जी नेहा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ नेहा जी, ऐसा है देखिए, इसके अंदर मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में नहीं है। अगर विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल किया जाता है तो इसका सवाल के ऊपर सवाल करके और उसका जवाब देना मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। आज वो राहुल गांधी जी का अगर रिपोर्ट कार्ड लेकर के प्रस्तुत होते हैं तो ये एक तरह की आप ये मान के चलिए उनको अपना रिपोर्ट कार्ड उनको पेश करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी जी का रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन में है। तो ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे विचार। और अब मैं बात करता हूँ राहुल गांधी जी की। देखिए ऐसा है, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सुन रहा था तो इस जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपने नजरिए से सारी राजनीति को देख रहे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अभी बहुत परिपक्व होना चाहिए, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी जी को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आज अगर राहुल गांधी जी सरकार को घेरना चाहें तो एक राहुल गांधी जी को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि जैसे तीन मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी जी का जो रोल था, या मान लीजिए कोरोना के ऊपर जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि भाई 500 केस से 5 लाख केस हो गए, ये हो गया। देखिए नेहा जी, आपको पता है कि आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पीड़ित है, केवल भारत के अंदर ये बीमारी नहीं फैली है। हो सकता है शुरुआत में सरकार से कहीं चूक हुई हो, या जो अभी जो मोमबत्ती जलाने की या घंटी बजाने की या ताली बजाने के ऊपर जो टोंट किया जा रहा है, इससे राहुल गांधी जी कदाचित अपनी जो अपरिपक्वता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि थाली ताली बजाने से कोरोना मान लीजिए घटा नहीं, तो उससे कोई कोरोना बढ़ा भी नहीं है, उससे कोई किसी की हानि भी नहीं हुई है। उसमें किसी ना किसी का अगर मनोबल बढ़ाने के लिए अगर कोई इवेंट किया है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी जी को आज राहुल गांधी जी को सकारात्मक विपक्ष के रूप में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर कोरोना के बारे में सवाल करें तो राहुल गांधी जी को ये सवाल करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये पूछना चाहिए कि भाई अभी तक आपने और कितने हॉस्पिटल बना दिए, आपको और कितनी मेडिकल फैसिलिटी आपने डेवलप की है, और कितने आपने आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, आपने इतने बनाए हैं, ये कम बनाए हैं और बनाए नहीं दिए थे। यानी कहने का मतलब क्या है, सकारात्मक उसके अंदर राहुल गांधी जी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, चाहे चाइना का मुद्दा हो, चाहे ये कोरोना का मुद्दा हो। और आज मैं एक चीज बताता हूँ कि ठीक है सर, इसमें बिल्कुल बिल्कुल सर मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुनील भराले जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सवाल इस बात को लेकर है, उबैद जी का कहना है कि जो ब्यौरा, जो कैलेंडर राहुल गांधी ने सभी के सामने रखा है, वो तो दरअसल सरकार को आईना दिखाने के लिए रखा गया है। क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार को आईना दिखाया गया है, इसका क्या आप मायने निकालते हैं? नेहा जी देखिए, राहुल गांधी जी क्या किसको आईना दिखाएंगे, वो पहले स्वयं ही देख लें आईना को। दूसरी बात यह है, जहां भारतीय जनता पार्टी पर वो सवाल दाग रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं जी, उनको स्वयं पहले वर्तमान में अपने घर को ठीक से संभाले। अभी आपने देखा होगा कि उनके नेता जो मध्य प्रदेश का, पूरे देश ने देखा उनकी पार्टी का हर्ष, राजस्थान में उनका ऐसा ही हो रहा है, तो वो पहले अपने घर को संभालने में लगे हैं। और वो जो तो बातें कर रहे हैं किसी प्रकार की, उस पर वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जहां वो सवाल कर रहे हैं कि घंटा बजाना, COVID-19 पर विजय प्राप्त, उसको अपनी कमियों को छिपाना, उनको समझना चाहिए कि 130 करोड़ के देशवासियों को भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने देश को एक आवाज में सूत्र में बांध करके और COVID-19 जैसी लड़ाई को लड़ करके विजय की तरफ जा रहे हैं, ऐसा उनको सोचना चाहिए। और देश किस परिस्थिति में है इस समय, उस पर ध्यान करना चाहिए। वो जो कहना चाहते हैं उस बात को, आज वर्तमान की स्थिति यह है कि देश के सामने, देश जो है आज हर प्रकार से, मैंने पहले भी कहा था, एक भी समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि आज देश को सामूहिकता के साथ में भारत को आवश्यकता है हर चीज पर। वो भले चाइना पे उन्होंने खूब उठाने की कोशिश करी, और लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जो विवेक से जिस प्रकार से चाइना को ललकारा है, इस भारत के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने चाइना को ललकारा नहीं, उसके कदम को पीछे हटाने का काम करा। लेकिन सर वो राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि कोरोना काल में सरकार क्या काम कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई गई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई गई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई गई, जून में बिहार वर्चुअल रैली की गई, और जुलाई में राजस्थान गिराने की अब कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई दे रही तमाम चीजें जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को मैंने यही तो कहा है कि राहुल गांधी जी को ये अपने स्वयं विवेक पर विचार करना चाहिए कि पूरा देश आप पर हंस रहा है, पूरा देश आपको मजाक के रूप में ले रहा है,
आप एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आप नेतृत्व अपनी पार्टी का खुद स्वयं ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो खुद स्वयं सारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये खुद स्वयं में विचार करना चाहिए कि देश पर हमला बोलने से पहले और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोलने से पहले वो स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे देश के बारे में क्या बोलना है, उसे समझे। आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत एक कदम आगे बढ़ता है, भारत के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उस संकल्प के साथ में वो अपने देश को, अपने को नहीं बढ़ा रहे, वो देश को हर मोर्चे पर, चाहे वो विदेश की नीति को देख ले, चाहे वो वर्तमान के COVID-19 को देख ले, आज दूसरे देश आश्चर्य इस बात पर कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से कोविड को कंट्रोल में लेकर के आज जो पूरे दुनिया के अंदर जो प्रशंसा हो रही है भारत की, और जो भारत के जो दुनिया के देश भारत की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, हम सबको इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि आज हमारे भारत की प्रशंसा पूरा दुनिया के सब देश कर रहे हैं और इस बात का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने रात दिन एक करके अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम के आधार पर उन्होंने ये सर आपकी बातों से जो निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उबैद साहब, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस पर ऐसा पहली मर्तबा आरोप नहीं लगा रही है बीजेपी कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रही है, इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के आरोप लगे रहे हैं, क्या राहुल गांधी का ये ट्वीट ये दर्शाता है? मैडम ये तो अजीब गरीब बात है, अगर हम सरकार की आलोचना करें तो क्या देश को हम मुखालफत कर रहे हैं, देश को बुरा कर रहे हैं? क्या मोदी जी देश है? हमारे अपोजिशन के तौर पे हमारे मुखालफत करने का हक नहीं है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा राइट टू अपोज है, ये हमारा अधिकार है कि हम इनको मायना दिखाएं, ये हमारा अधिकार है कि इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करें। अजय जो मोदी 40 पढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं कि हम भी मोदी 40 पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं? चाइना की हालत क्या हुई है, डोकलाम में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, पॉइंट फिंगर फोर से भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाइना के नाम माल पर आप, चाइना की वजह से आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, और कोरोना की क्या हालत है, दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, क्या अरेंजमेंट है आपका? हालत यह है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, आज योगी जी ने कहा कि होम आइसोलेशन कीजिए, आज होम आइसोलेशन आपके पास अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाओं के लिए नहीं है आपके पास, मास्क का भी पहला मैंने आप चाहते हैं कि हम भी मोदी 40 पढ़े, आपकी मुखालफत करना हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक अधिकार है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, हम आपको आईना दिखाएंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है वो देश के लिए नहीं है, ये आप पब्लिक को गुमराह मत कीजिए करके कि हम देश की मुखालफत करते हैं, देश की ठेका आपने थोड़ी ले रखा, हम भी उतना ही जिम्मेदार है, उतना ही देश भक्त जितने आप है। दूसरे नंबर पर कोरोना में कैसे पहुंच गया देश? समझौता करती थी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को ये शर्म आनी चाहिए कि पहली बार अब देश की जनता को ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार में किस प्रकार से जमीन चाइना कब्जाया करता था, और ये सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की है, आज उसको हटना पड़ रहा है, भाजपा की सरकार है। नहीं नहीं सवाल इस बात का है कि चाइना को ये मौका ही क्यों दिया गया कि वो भारतीय सीमा में दाखिल हो, ये कहां किसकी नाकामी थी, ये किसकी खामी थी कि वो इतनी कितने मिलिट्री वेटरन्स हैं जो कह चुके हैं कि कहां तक लद्दाख घुसा है, मिल में घुसा जाए चाइना, वो क्यों क्यों दाखिल हुआ सर, हमारे सैनिक 20 जवान शहीद हो जाते हैं, ये नौबत क्यों आई? आप चाइना की तरफ लेके मुड़ जाते हैं, चाइना से आपने कितना समझौता कर रखा, और खुद कहा गया कि चाइना को दबा के बारे में ज्यादा बोले बीजेपी के लीडरों को, और ऐसे में सवाल उठा रहे भरारा साहब के साथ में, इसमें सरकार का कर्तव्य है कि जवाब दे। आप चाहते हैं कि हम भी मोदी 40 पढ़े, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं इस मुल्क में? सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। दोनों देश की सेनाएं खड़ी होती हैं, देश पर देश की जब दोनों सेनाओं की युद्ध होता है तो कोई उस पर, लेकिन हमारी सेना बहादुर जाबाजों ने अपने देश के शहीद हुए 20 सैनिक हमारे, लेकिन उस जमीन से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, ये भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर के उनका मनोबल बढ़ाया काम करा, और चाइना को पीछे हटने उनकी कुर्बानी को, और ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ जाएंगे, उनकी कुर्बानी हमारे बिल्कुल सरमाथे पे है, और वो कुर्बानी पूरा देश
उसको सामने रखे हुए हैं। सेना के साथ हम भी खड़े हैं, सेना के साथ हम भी खड़े हैं, हम सेना के। ठीक है सर, इसमें रिएक्शन ले लेते हैं। निरंजन पोद्दार जी भी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, सवाल इस बात को लेकर है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए इस सरकार में क्या वाकई आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई कोर कमी छोड़ी गई है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी पर जाते हैं, कहते हैं एक इंच जमीन हम नहीं देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं, कहते हैं जवानों का हौसला अफजाही होगा और साथ ही साथ एक इंच हम जमीन किसी को नहीं देंगे, और उसके लिए कारगर कदम उठाए जाते हैं, तमाम बैठकें की जाती हैं, उस बैठकों में सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, और कोशिश यही की जाती है कि चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए, चीन को कूटनीतिक तौर पर उसका जवाब दिया जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? निरंजन पोद्दार। देखिए नेहा जी, अभी आपने इनसे सवाल किया था बराला जी से, उसका जवाब मैं देता हूँ कि चाइना ने भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करी, ऐसी नौबदी क्यों आई जी? उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ नेहा जी। उसका जवाब ये है कि देखिए, जो दुष्ट होता है या जो राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है, उसका काम होता है मानव जाति को परेशान करना, और जो मानव होता है वो अपनी रक्षा करना उसका अपना धर्म है। तो चाइना आज दुष्ट प्रजाति का देश है, और आपको पता है कि जिस तरीके से उसने पूरे विश्व को परेशान कर दिया कोरोना फैला करके, तो वो अब विश्व का ध्यान कोरोना से हटाने के लिए, और उसने अपनी एक दृष्टता फिर उसने यहाँ पे बॉर्डर पे दिखाई। लेकिन इसके अंदर अब दूसरी बात देखिए, मैं दूसरी बात ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जब मामला इतना सेंसिटिव था, मामला इतना सीरियस था वहां पे बॉर्डर पे जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर, उस टाइम राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बातें करी कि जैसे सरेंडर मोदी और ये सब, तो मेरा अभी जो मैं आपको कह रहा था कि सकारात्मक विपक्ष की राहुल गांधी जी को भूमिका अदा करनी चाहिए, उसका मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि उस समय कम से कम राहुल गांधी जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे देश के लोगों का और सेना का मनोबल डाउन होता है। क्योंकि देखिए, जब कहीं पे भी किसी की टीम, मान लीजिए कहीं 19 पड़ती है किसी तरह से, तो उस टाइम उस टीम के समर्थकों का दायित्व तो होता है कि उनका मनोबल बढ़ाए, ना कि उनका मनोबल तोड़े। ठीक है, मनोबल पे एक बात मुझे याद आई यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कहीं ना कहीं अलग अलग राय भी निकल के सामने आ रही है। उबैद साहब, इससे पहले हमने देखा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 निष्क्रिय की गई, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग वर्ग है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेता, वो अलग बयान देते हैं, युवा नेता अलग बयान देते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, क्या एक राय नहीं बन पाती है क्या कांग्रेस में? क्या कांग्रेस में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस मुद्दे का विरोध करना है, किस मुद्दे का समर्थन करना है, और अगर सरकार को घेरना है तो कैसे घेरना है? क्या कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता की आप कमी देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब 370 का मामला आया था तो जरूर कुछ लोगों ने थोड़ी सी डिफरेंस ओपिनियन दिया था, लेकिन जब CWC की मीटिंग ने एक लाइन डिसाइड कर दी तो सब लोग उस पर चलने लगे, फिर किसी ने कोई मुकम्मल नहीं किया। जब CWC का जो फैसला हुआ तो उसे सब लोगों ने माना। कहां खामी, कहां कमी देखते हैं? एक तरफ आपकी पार्टी के नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर, और सवाल करना चाहता हूं जी, ये कह रहे हैं कि CWC ने जो डिसाइड किया हमने उसी लाइन को आगे फॉलो किया, लेकिन शुरुआत के अंदर इनके नेतृत्व को इतनी समझ नहीं थी कि ये मामला राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो उस समय उन्होंने विपरीत लाइन क्यों पकड़ी? क्या इसका मतलब क्या है कि भाई नेतृत्व आपका सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, वो लोगों से सलाह मशवरा नहीं? और हमने देखा कि CWC की बैठक से पहले और बाद में भी अगर गुलाम नबी आजाद कुछ बयान दे रहे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा कुछ बता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बता रहे हैं, सचिन पायलट कुछ बयान दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बयान दे रहे थे, तो ये चीजें जो निकल के सामने आ रही थी, क्या उबैद साहब नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है? और राहुल गांधी जहां सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, खामियां गिना रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है सरकार पर सवाल उठाने से पहले? नहीं तो क्या सरकार को बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि जो सरकार करना चाहे करे, कोई उसकी अपोजिशन ना करे, कोई मुखालफत ना करे, सरकार को आईना दिखाया जाए, पब्लिक के सामने सच्चाई ना लाई जाए? उनको इसका जवाब दूं मैं? क्या चाहते हैं कि बिल्कुल सब लोग एकदम मोदी 40 पढ़ते रहे? हमारी पार्टी में अपने अंदर मामला थे जो हम अपने पार्टी के अंदर उनको सेटल करते हो, जिनको जाना होता है चले जाते हैं उनको।
जिनको जाना, जिनको इन्होंने खरीद लिया, जिनको इन्होंने जा रहे अब की पता चल गया है कि एसओजी इनके पीछे पड़ी हुई है, इनके सेंट्रल मिनिस्टर तक की वाइस सामने आ गई कि कैसे खरीद फरोख्त हो रही थी। शेखावत साहब की बातें सामने आ चुकी है। इसी तरह से सिंधिया का मामला भी हुआ था, वहां भी उन्होंने खरीद किया। तो ये सब चीजें खरीदे आप, पब्लिक मैंडेट पे टाका डाले आप और कॉर्नर करें हमको, अच्छी से वो आइए। नहीं, बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है सर कि मजदूरों को भड़काया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से मजदूरों को भड़काया गया, शाहीनबाग दंगे भड़काए गए, ज्योतिरादित्य और मध्य प्रदेश को खोया, शाहीनबाग का दंगा भड़काया गया, प्रवासी मजदूरों को भड़काया गया, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई छठी सालगिरह पर, ये इस तरह के चीन का बचाव किया गया, इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? चीन का बचाव बिल्कुल नहीं किया गया, झूठ इल्जाम लगाते हैं, चीन का बचाव नहीं किया गया। इनको जो सरेंडर किया उसको दिखाया गया, डोकलाम में सरेंडर किया इन्होंने, लद्दाख में काफी हद तक चाइना अंदर घुसाया, वहां ये खामोश बैठे हुए हैं, आज भी वो फिंगर फोर से पीछे हटने को तैयार नहीं, वहां ये खामोश बैठे हुए हैं। कितने वेटरन्स ने, हमारे बड़े सीनियर फौजी ऑफिसर ने बताया कि लद्दाख में कितने किलोमीटर तक चाइना अंदर आ गया है। ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को, झूठ बोल के लफाजी करते हैं। इतना विरोधी दिख रहा है जब राजीव गांधी फाउंडेशन पर आपसे जवाब मांगा जाता है कि ये बता दीजिए कि चीन से फंड कब और कैसे लिया था और क्यों लिया गया था, सर ये बता दीजिए हमें। जब यही इनकी कमजोरी दिखाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन कितना पुराना है, 6 साल से इनकी हुकूमत है, तब इनको नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन याद आया था। आज जब हमने चाइना पे इनको एक्सपोज किया तो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो सारा अकाउंट तो हमने वहां पेश कर दिया है, इनकम टैक्स में सारे रिटर्न है, सारे वो है, आप जांच करवा लीजिए, आप मजीद जांच करवाते रहिए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में क्यों नहीं चेंज होती है, वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, कहां से कितना पैसा लिया इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर फंड को इन्होंने क्यों छुपा रखा है, वो कोई इनके पर्सनल फंड है क्या? और उसके पहले उन्होंने जो क्या नाम है इलेक्शन फंड जारी किया था उसमें इन्होंने 86% पैसा मिला, उसको ये बताएं, अपना छुपाएंगे दूसरे को वो करेंगे? राजीव गांधी फाउंडेशन आज का तो है नहीं, जब से राजू जी के इंतकाल के बाद वो बना था तब से राजू को काम कर रहा है और हम सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में पेश कर रहे हैं। अटल जी की भी सरकार रही, मोदी जी की 6 साल हो गए, कोई जांच नहीं हुई, आज हमने इनको आईना दिखाना शुरू किया तो राजीव गांधी को क्यों? सुनील भराला जी, ये बार बार आरोप लगते हैं कि जब जब सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तब तक सरकार जो है वो डंडा दिखाना शुरू कर देती है, क्यों इस तरह के आरोप बार बार बीजेपी पर लगते रहे हैं? नेहा जी देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि ज्ञानी बिल्ली खंभा रोके, बात ये है आरोप प्रत्यारोप की जहां बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी भूमिका में अपने आप को विवादित में रखना नहीं चाहती, ना रखा कभी नहीं, पार्टी का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। अगर कोई चीज की अगर जांच राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करते हैं, अगर वो 90 लाख रुपए की धनराशि अवैध तरीके से वो प्रदर्शित हो रही, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, इन्होंने ये बात छेड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जो है दुर्भावना की राजनीति करती है, कहा तो मैं उसका उत्तर देना चाह रहा हूँ। अगर ईडी ने या संबंधित अधिकारियों ने उनको उस लाइट को प्रकाश में लाया उस चीज को, और हमारा काम तो है नहीं कि हम इस काम को करते हैं, उन्होंने ये प्रकाश में आया, ये एक जो जर्नल एक कार्रवाई है उसमें सारे जितने भी ट्रस्ट है या किसी प्रकार के जिस प्रकार के जो देन देन वाले ऐसे अकाउंट है सबका उन जो संबंधित अधिकारी है उनकी देखरेख है, उनकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी में अगर राजीव गांधी फाउंडेशन पर इस प्रकार की धनराशि का ये एक निकल के आया, वो जांच चल रही है, उसको आप आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करनी चाहिए और ये कहना भी नहीं चाहिए। वो एक सतत प्रक्रिया है सरकार की, गवर्नमेंट की, तो वो करती है कि सरकार हमारी हो चाहे सरकार इनकी हो किसी की हो, तो वो काम प्रक्रिया का है। हम कहते हैं कि विषय ये नहीं है, विषय इस बात का है अगर वो अवैध तरीके से फंड आ रहा है तो क्या वो गलत नहीं है, आप उसको स्वीकार करना चाहिए। सवाल ये है कि अभी क्यों, जब हमने चाइना के मामले में आपको एक्सपोज किया तब क्यों आ रहा है ये बात, इससे पहले क्यों नहीं आपको फिक्र लगी थी कि वहां कैसा पैसा आ रहा है? करके लाए हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में अवैध तरीके से पैसा आया है और उसको
कहाँ दिखाया जा रहा है उसका ब्यौरा होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम जा सके आपको संबंधित अधिकारियों को जाकर के आप हर चीजें ठीक है। दोनों ओर से कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर की लड़ाई है। और ऐसे भी जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि किसको कौन आईना दिखा रहा है, क्या कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है या बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है, ये एक अहम सवाल यहाँ बन जाता है। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कैलेंडर के, क्योंकि अब कैलेंडर वार शुरू हो गया है राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच में। और ऐसे में एक दूसरे को आईना दिखाने की बात की जा रही है, कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दिखा रही है कि आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की है और ये आपके ऊपर तंज कसा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कौन किस पर तंज कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई और अब राजस्थान की बारी है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार गिराई जा रही है, ये सरकार गिर रही है और कौन सरकार गिरा रहा है और कौन किसको आईना दिखा रहा है। ओवैसी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और अब राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। सर, ये आरोप किसे कैसे देखते हैं इसे? देखिए, राजस्थान में क्या हो रहा है, ये सिर्फ शेखावत जी की जो बातचीत हुई है सचिन पायलट जी के एक विधायक के साथ में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे की लेन देन कैसे हो रही है और किस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में खेल किया गया, तो उससे पहले कर्नाटक में किया गया, तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं होगा, आइंदा से बीजेपी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि विधायक खरीद के अपनी सरकार बना लिया करेगी। यही इनका एक तरीका, इसी तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान की आत्मा खत्म करना चाहते हैं। और पब्लिक देख रही है इन सब चीजों को, आने दीजिए मिड टर्म चुनाव या उसके बाद पता चल जाएगा कि इनकी जो अनैतिक हरकतें हैं इसका क्या खैमियाजा निकलेगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कांग्रेस के बीएसपी के और दूसरी पार्टियों के विधायक खरीद के 100 मिनिस्टरों की एक भारी फौज खड़ी कर दी थी इन्होंने, लेकिन क्या हुआ था अंजाम उत्तर प्रदेश में, 17-18 साल लग गए थे उनको संभलने में। तो ये अनैतिक राजनीति जो है बहुत ज्यादा कामयाब शुरू में हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। जनता को एहसास होगा कि उसके मैंडेट को, उसके फैसले को किस तरीके से ये हसाम दाम दंड भेंट से बदल रहे। सुनील भराला जी, ये आरोप बार बार लगते रहे हैं कि बीजेपी बनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करती है, और ये आरोप इसलिए भी लगते रहे हैं क्योंकि आपके नेता ही इस तरह के बयान देते रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? नेहा जी, देखिए बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं ये। आप देखिएगा, सचिन पायलट जी इनकी पार्टी के युवा नेता हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के नेता हैं, और वहां के राज्य के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों दायित्व देख रहे थे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम उनकी मनोस्थिति ये तय कर दें कि हमारी उनकी पार्टी छोड़ करके आ जाऊं इधर? ये संभव है क्या? जब तक इनकी शेखावत जी की मोबाइल बातचीत सामने है, आप देखें, आप सुधारे, मैंने पहली बात भी ये शेखावत जी की फोन से बातचीत सामने है। चाइना या पाकिस्तान या COVID-19 पर प्रश्नचिन्ह लगाना आप लगाए, लेकिन आपकी पार्टी को देखिए आप पहले, आपकी पार्टी में हो क्या रहा? नहीं सर, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जो ऑडियो टेप जारी की गई है या जो सामने आई है, जो वायरल हो रही है, सर उसको झुटलाया जा सकता है क्या? तो वो संस्कार के हिसाब से, सुनील सर, भराला साहब, जो ऑडियो टेप निकल के सामने आई है, जो वायरल हो रही है, उसको झुटलाया जा सकता है क्या? हेलो जी भराला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नेहा जी जी, आप इनसे सवाल करिए कि सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेसिडेंट ये कर रहे हैं या हमने किया? नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए, जो भराला साहब ये बताइए मुझे, जो ऑडियो टेप जारी की गई है, जो सामने आई है, क्या उसे झुटलाया जा सकता है क्या? नहीं देखिए, अभी तो सब जो ऑडियो की बात करते हैं, हम झुटलाने की बात बिल्कुल नहीं करते। ऑडियो की सब जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए इस पर, ये सच क्या है। एजेंसी इनकी सरकार है, वहां पर भी हमारी केंद्र में सरकार है, जांच होगी इस पर, होनी चाहिए बिल्कुल। कि हमारे मंत्री जी का कहना है कि हमारी आवाज नहीं है, ये कहते हैं कि मंत्री जी की सेवा क्यों नहीं है,
बिल्कुल जाके होनी चाहिए। वाइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा कौन सी बात है, लेकिन हम बात अरे वाइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? सचिन पायलट को हमने नहीं करा प्रेरित, इनकी पार्टी के इनके नेताओं ने प्रेरित किया, और वो सारा देश प्रदेश देख रहा है, आप भी खुद देख रहे हैं, आपके चैनल ने तो खुद से सवाल इस बात को लेकर है ना सुनील भराला जी, अगर अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की वो आवाज नहीं है तो खुद टेस्ट करवाना चाहिए कि लीजिए मेरा वॉइस टेस्ट लीजिए, मेरी जांच करिए, मेरी आवाज नहीं है, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्यों वो जांच से भाग रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा मैडम एक बात ये बताइए कि कांग्रेस के डिसीजन से इनको इतनी हमदर्दी क्यों हो जाती है? भाई हम तो बात ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नासिर जी कह रहे हैं, कांग्रेस के बागियों से आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो जाती है? ये सरकार की बातें जो कर रहे हैं भाई, अपनी पार्टी का प्रकरण है आपका, आपका आंतरिक मामला है आप। अरे भैया इतनी बात बता दीजिए सिर्फ, आप उनके रस्ते बांधो, उनके अंदर कांग्रेस के बागियों से आपको हमदर्दी क्यों होती है? वो पार्टी की प्रेरणा या आपके नेता उसे प्रेरणा ले या क्या करना है वो उनका मामला, हम भी जाना चाहते हैं वो किसको नेता मानते हैं किसको नहीं मानते, या वे सब नेता बन गए, ये खुद अपनी इनकी पार्टी तय करे इस बात को। हाँ जहाँ बात जांच का है वो जांच के आधार पर होगा, विषय विषय दूसरा है, ये उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम कहना चाहते हैं इस बात को कि अगर इस पर ऑडियो में कोई किसी प्रकार की है तो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अब कांग्रेस में सरकार, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, अब जो ऑडियो टेप जारी हुआ उसने भी राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया, ये पूरा मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है, ऐसे में इसे किस तरह से देखते हैं, क्या जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए नेहा जी, मैं आपको पहले भी डिबेट में आपको एक चीज बता चुका हूँ, दरअसल क्या है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका काम है राजनीति करना, और इसके अंदर कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, और मैंने आपको नहीं, राजनीति करना सर अलग चीज है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? तेज बोले निरंजन जी से कहिए, तेज बोला थोड़ा निरंजन पोद्दार जी, थोड़ा आप तेज बोलिए ताकि दूसरे गेस्ट तक भी आपकी आवाज पहुंच पाए। जी जी नेहा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए इस मामले में कोई भी पार्टी जो है वो दूध की धुली हुई नहीं है, और जैसे अभी आप अगर उदाहरण लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि भाई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शिवसेना गठबंधन मिलकर के इन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन जैसे ही वहां से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मनमुटाव नजर आया तो कांग्रेस भी तो वहां भाग करके और वहां घोड़ी पे चढ़ गई थी। मेरी बात समझ गया आप, चाहे आप कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटका के अंदर भी देवगौड़ा जी और कांग्रेस जो है आमने सामने लड़े थे, एक दूसरे को गालियां देकर के चुनाव लड़ा था, और जैसे ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी को फ्रैक्चर मैंडेट मिला दोनों एक ही घोड़े पे सवार हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए ये कल को अगर कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो कांग्रेस भी किसी सरकार को वहां अपनी सरकार बनाने के लिए चूकेगी नहीं। लेकिन मैं अब दूसरी बात पे जाना चाह रहा हूं, जो हमारा राहुल गांधी जी के ट्वीट के ऊपर जो बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर दोबारा फोकस करना चाह रहा हूं। नेहा जी, जैसे ये अभी कह रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई क्या हम मोदी माला जपे क्या, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, राहुल गांधी जी के अंदर अगर परिपक्वता है या उनको जो भी उनकी जो सलाहकार मंडली है उसको आप समझाइए, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत सारी ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और जिनके लिए जनता हाथों हाथ राहुल गांधी जी को लेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, आज लोग आप लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे सरकार से कि जब क्रूड ऑयल $43-44 पर बैरल है तो दिल्ली के अंदर पेट्रोल 80 रुपए डीजल पेट्रोल 80 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है? आप सरकार से ये क्यों नहीं पूछते कि जब आपने 93,000 करोड़ रुपया की यूरिया की जो घोटाला होता था उसके अंदर नीम कोटिंग करके आपने 93,000 करोड़ रुपए की चोरी बचा ली, आपने डीबीटी के तहत 110,000 करोड़ की चोरी बचा ली, आपने एक्साइज के अंदर 23 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपने एक्साइज बढ़ा करके करोड़ रुपए मंथली डेली के आपने पेट्रोलियम के अंदर एक्स्ट्रा इनकम चालू कर ली,
आपने एक जो 54,555 जो 54,55,00,000 निरंजन जी, ये तमाम मुद्दे आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे बता रहे हैं सर, इसमें तो राजनीतिक पार्टियों को कहाँ लेना देना है, इनको तो चीन से मतलब है, इनको बाकी तमाम और चीजों से मतलब है। यहाँ पे जो जनता से जुड़े हुए विषय है उन पर राजनीति कहाँ फायदेमंद होती है, वहाँ फायदेमंद राजनीति नहीं होती। गलत बात मैडम, मैडम मैडम जी, मैडम पेट्रोलियम के ऊपर हमने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, लखनऊ में हम लोग गिरफ्तार हुए थे, मैं खुद गिरफ्तार किया गया था, हम लोग इको पार्क में रखे गए थे पूरे दिन भर के लिए। हमने सर आपके प्रोटेस्ट का असर क्या हुआ, सरकार पर असर पड़ा क्या सर, सरकार पर असर पड़ा क्या? सरकार तो सरकार बेहयाई पे हम आता है तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार तो फौरन अटेंशन डाइवर्ट कर देती है, कभी वो कैपिटल की ले लेते हैं, कभी कास्टिंग की ले लेते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर लेते हैं। सर पेट्रोल, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध क्या उतना उग्र प्रदर्शन आपका हुआ, जितना सीएए, जितना सीएए के वक्त पर आपने जोर लगाया, जितना मजदूरों को लेकर आपने जोर लगाया, ये तो आरोप लगा रही है बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीएए यानी कि शाहीन बाग को भड़काने के लिए कांग्रेस का हाथ था, शाहीन बाग को भड़काने के लिए कांग्रेस का हाथ था, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं मजदूरों को भी भड़काया गया। आप बताइए हमको मैम, आप हमें बताइए क्या मजदूरों के साथ खड़ा होना गलत था? सरकार नहीं करती है अटेंशन डाइवर्ट, इनका शीर्ष नेतृत्व करता है। अब आज वाला जो ट्वीट है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, जो इन्होंने कैलेंडर छापा है ट्वीट के अंदर, तो उससे अपने आप अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। तो कहने का मतलब इनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको एक चीज को समझना चाहिए कि भाई हम जिस मुद्दे को गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, हम अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना में हम दो नंबर पे कैसे पहुंच गए, कितनी हमारे मौत होती, क्या हालत है हमारे कोरोना सर्विस की। आज मजबूर है यूपी गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि भैया अपने घर में आइसोलेट हो जाओ, हमारे अस्पताल में जगह नहीं है। सर भराला साहब, ठीक है सर, ठीक है भराला साहब, इस दौरान लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कोरोना काल में जो दिक्कतें मजदूरों को हुई, उस बीच मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के बजाय अगर प्रकाश जावड़ेकर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मजदूरों को भड़काने की कोशिश की, कांग्रेस ने शाहीन बाग को भड़काने की कोशिश की, वो दंगा, वो जो पूरा प्रदर्शन भड़काया, तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। सर नहीं लगता कि इस वक्त पे तवज्जो देनी चाहिए कोरोना को जिससे निपटने की जरूरत है, तवज्जो देनी चाहिए महंगाई को जिससे निपटने की जरूरत है, तवज्जो देनी चाहिए चीन मसले को जिससे निपटने की जरूरत है, तवज्जो देनी चाहिए टिड्डी दल को जिससे निपटने की जरूरत है, तवज्जो उन तमाम मुद्दों को देनी चाहिए बजाय ट्विटर वार करके? नेहा जी, महानुभव कह रहे हैं कि कोरोना में भारत नंबर दो पे आ गया, WHO की रिपोर्ट के आधार पर, और प्रथम ही WHO ने ये कहा कि कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ 20 अप्रैल को जनता कर्फ्यू के बाद में 22 से लॉकडाउन हुआ, WHO ने उसी समय ये कहा कि ये पहले चरण में अभी आ नहीं है भारत, पहले चरण की शुरुआत प्रारंभ हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी ध्यान में रख करके उसी आधार पर लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करने के बाद में फिर दूसरा चरण, चार घंटे में 125 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया, कोई ज्यादा की लीनियंसी है कोरोना वायरस को? कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला था ये, कि जहां अपने यहां का जो कोरोना वायरस है, एक तो पूरी तरीके से वो नियंत्रण में माना जाएगा कि आपका ठीक होने का जो कोरोना की जो तेजी से हो रहे हैं वो बढ़ भी रहे हैं, तो वो फुल स्टॉप पर चल रहा है सर, 500-600 लोग मर भी रहे हैं रोज, 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 500-600 लोग रोज मर रहे हैं सर, सब झूठ बोलते हुए भी ये कहता है कि झूठ बोलते हुए है। अभी और मौसम का आप देखे आधार, ये जो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये महीने जो होते हैं इसमें बीमारी के बढ़ने की आशंका ज्यादा बढ़ती है, बरसात का मौसम होता है, तो ऐसे ये पहले में भी पिछले सालों में जब बच्चे मरे थे गोरखपुर में तब कहा था आपके हाथ में जब तार की बजाई है, घंटा बजाई है, और उनको जो बिल पावर दिया भारत की जनता को, दीपक जला करके जो एक उत्साह दिया है, जोश दिया है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण से अब दीजिए ना, तो बिल पावर की जरूरत है, और उस कोरोना वायरस का मुकाबला बिल पावर की जरूरत है। 123 करोड़ 130 करोड़ जो हमारे नागरिक है वो जमकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब
सर मुकाबला करते करते जो जिंदगी से हाथ धो रहे हैं उसके उनके बारे में बताइए ना सर। भराला साहब जो मुकाबला करते करते जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, आज ये आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है जिनकी मौत हो गई है कोरोना से, सर उनके बारे में कहिए ना, उनके बारे में कहिए, जिनके घर से लोग चले गए हैं उनके बारे में कहिए ना सर। संसाधनों की आप बात करेंगे, भारत के अंदर हमने टेस्टिंग बढ़ाई, हमने सारी चीजों को अपडेट किया, अस्पतालों में बेड पर्याप्त मात्रा में आपने देखा होगा, सारे देश में सभी राज्यों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्वतंत्रता से और सभी लोग कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए ये दुखद है, अगर ये कोरोना वायरस है जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा आ रहा है उसके साथ में भी नियंत्रण में है और जो हो रही है वो सर 40,000 से ज्यादा मामले अगर पिछले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं भराला साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि नियंत्रण में है तो सर ये हमारे समझ से परे है। अगर एक सेकंड ये आज के अखबार में खबर है, बस साहब ना एम्बुलेंस मिल रही है ना बेड, भटक रहे कोरोना के मरीज, ये आज के अखबार की खबर है। ठीक है सर, सवाल पूछ लेते हैं सर, नेहा जी का बात कर लूं मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा पूरे देश में मामले सामने आ रहे हैं तो क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम ये कहें कि हम नियंत्रण में हैं, क्योंकि इस पर भी राहुल गांधी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। नहीं नेहा जी, उन्हें हम कह रहे हैं कि वो आक्रामक हो जाए या वो ठंडे हो जाए, लेकिन WHO ने ये पहले ही घोषणा करी थी कि हमें और सावधानी बरतनी है, उस सावधानी से हमें ध्यान रखना है और ये WHO की रिपोर्ट के आधार पर भी जो आज आंकड़ा है तो उस आधार पर भी भारत नियंत्रण में है, हम ये कहना चाहेंगे बिल्कुल। और ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो इस मॉरल दिया है देश की जनता को, उत्साह दिया है, जोश दिया है, उस जोश का ये परिणाम है। आज जो है अभी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से अभी बढ़ी एकदम से, लेकिन अस्पतालों की आप व्यवस्था देखो, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, चिकित्सकों की व्यवस्था देखो, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, अस्पताल में बेड मिले, डॉक्टर मिले, ठीक रहे उनको, संसाधन खाने का, उनके ले जाने का, एम्बुलेंस, आज के अखबार की रिपोर्ट है, पूरी तरीके से अपना सिस्टम को जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो संसाधन है पूरे झोंक दिए है भारत की जनता के लिए, किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता और कमी नहीं आने दे रही है, तो ये हमारी एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि सरकार इस काम पर लगी हुई है और सरकार अपने दायित्व को। चलिए क्योंकि अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, साधुवाद करता हूँ जो 130 करोड़ देशवासी भारत की सरकार के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। ठीक है आप निरंजन पोद्दार जी, जो सवाल इस बात को लेकर है कि आज हम कैलेंडर वार की बात कर रहे हैं सर, किसके कैलेंडर में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है, वो संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए नेहा जी, ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज जब देश इतने संकटों से गुजर रहा है तो इस देश का विपक्ष और इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी दोनों ही कैलेंडर वार पे उतरे हुए हैं। आज देश के लिए पर्याप्त काम करने की जरूरत है और जैसे अभी आप कोरोना के मामले में बात कर रहे थे तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा करी थी कि जो दिल्ली मॉडल है, तो अब इनको जो है जो दिल्ली मॉडल कोरोना के अंदर अपनाया गया है उसी मॉडल को इनको जो है पूरे राष्ट्र के अंदर इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए कोरोना के मामले, तो मेरा ये कहना है। और जो कैलेंडर वार की आपने बात करी नेहा जी, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैं बता रहा था कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो ऐसे समय में जब देश संकटों से गुजर रहा है उस टाइम सकारात्मक विषयों पर चर्चा ना करके और ये जो बेकार की जो चीजें जो आम जनता से जिनका कोई सरोकार ज्यादा नहीं है उन चीजों के ऊपर अगर ये ऐसी बातें करते हैं तो देखिए इससे ऐसा ही लगता है कि भी धीरे धीरे करके जैसे लोगों ने पहले वोट के अंदर उनको जो है सीरियस लेना बंद कर दिया था वैसे अब लोग जो है इसके अंदर इनको और सीरियस लेना बंद कर देंगे। ठीक है उबैद साहब, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे निरंजन पोद्दार जी, क्या कांग्रेस ठीक ट्रैक नहीं पकड़ पाई है क्या अभी तक, ऐसा लग रहा है आपको भी क्या?
देखिए हम कोई कैलेंडर वार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, हमने एक्सपोज किया इनको, हम इनको आईना दिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि निरंजन जी जो कह रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनमें कभी पीछे नहीं हटे। हमने आपसे बताया कि जब पेट्रोलियम का मामला आया तो हमने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, हम जो जो भी जो इनके करप्शन चार्जेस हैं, जो रेलवे बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दे उठाए के बगैर तो जाहिर सी बात है हम राजनीति कर नहीं सकते, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम गवर्नमेंट को एक्सपोज करें, गवर्नमेंट की कोताहियां कमियां जो हैं वो जनता के सामने लाएं, और वो हम कर रहे हैं। हम निरंजन जी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इमोरलिटी बीजेपी दिखा रही है, कम से कम प्लीज दो लफ्ज उस पर भी कहिए। जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही है, जिस तरीके से पब्लिक उसका भी कुछ बोले, अगर आईना दिखाया जाता है तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों होती है? एक बेहतर सत्ताधारी पार्टी के तौर पर जवाब देना चाहिए डटकर। इस तरह का जवाब उम्मीद की जाती है क्या जो प्रकाश जावड़ेकर ने दिया? ये सिर्फ पर्सनल अटैक करने का लगा। ठीक है, सुन लेते हैं, भराला जी को सुन लेते हैं। या समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी अगर कोई बात कह रही है, हम कह रहे कि पहली बात तो तथ्यात्मक बात होगी तो उसका सरकार गंभीरता से अनुपालन करती है और करती रही। हमारी सरकार में दुर्भावना नहीं होती कभी, हम लोग तो सबक लेते हैं और ये ताराशाह करते हैं। हमें तो अगर कोई चीज लगता है कि कोई अगर विपक्ष ने कोई बात कही है और वो जनता के हित में है तो हम उस पर तत्काल करते हैं। बात हो गई थी अभी देखो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का निर्णय देख किया, जब ये बात आई निकल करके बहुत लोगों ने कहा और दलों के लोगों ने भी कहा, उन्होंने स्वयं में अपने आप में उसको संज्ञान लिया कि जो अगर हल्के फुल्के मरीज हैं वो अपने घर के अंदर ही अपने कमरे के अंदर कोरोना वायरस का इलाज करा सकते हैं। ये बात हुई ठीक। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप देखिए कितना बड़प्पन है, उन्होंने उस बात को गंभीरता से लेकर के और कल आदेश जारी कर दिया। ये है एक काम करने की हुकूमत, और इसे कहते हैं कि निष्पक्षता से जनता के हित में। सर, इसी तरह की उम्मीद आप जनता करती है कि जो चुनी हुई सरकार है वो जनता की भलाई के लिए काम करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जिस तरह से कैलेंडर वार छिड़ा हुआ है उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता की भलाई से किसी को कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।